मित्रों सब्सक्राइब कीजिए ज्योतिष निकेतन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नई वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। मित्रों नमस्कार, आज अध्यात्म चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि अध्यात्म में रत साधक को शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान रूपी संपत्तियों का ज्ञान होता है। इनके दम पर वह अनित्य जगत से विरक्त होकर नित्य तत्व की ओर अग्रसर होता है और उसका व्यक्तित्व संगठित व सशक्त बनता है। उसका अपने पर विश्वास जागृत हो जाता है। आज की वीडियो में दूसरी आध्यात्मिक संपत्ति दम की चर्चा करेंगे। यह क्या है? ज्ञान इंद्रियों का निग्रह करना ही दम है। इंद्रियां दो प्रकार की होती हैं, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां। ये 10 प्रकार की होती हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। 5 ज्ञान इंद्रियां कान, नेत्र, रसना, नासिका और त्वचा होती हैं। और क्रमशः इनके 5 विषय शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श होते हैं। इसी प्रकार 5 कर्म इंद्रियां वाक, हाथ, पैर, गुदा और लिंग होती हैं। ज्ञान इंद्रियों से विषयों का ज्ञान होता है और कर्म इंद्रियों से उन विषयों को प्राप्त किया जाता है। ज्ञान इंद्रियां स्वतंत्र होकर विषयों में विचरण नहीं करती हैं, तो वे मन के वश में रहती हैं और इसको दम कहते हैं। यदि शम का अभ्यास हो जाता है तो ज्ञान इंद्रियों का दम करने में आसानी से सफलता मिल जाती है। इसके विपरीत कह सकते हैं कि इंद्रियों के निग्रह हो जाने से मन के निग्रह में सहायता मिलती है। अगली वीडियो में तीसरी आध्यात्मिक संपत्ति उपरति की चर्चा करेंगे। नई चर्चा और नई वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।